नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हाथरस की बेटी के साथ हुई दुष्कर्म को लेकर बोकारो में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है और इसी के साथ मौन आंदोलन छेड़ा है। देखिए, बोकारो के कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा बोकारो सेक्टर 4 गांधी चौक में यूपी हाथरस की बेटी के साथ हुई दुष्कर्म के लिए चिंता जताई और मौन सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि देश में हो रहे दुष्कर्म को रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी या संघ के हो, तभी देश की हालात में सुधार आएगी और दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एचबीएन न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपी के हाथरस में जो घटना घटी है, उसके लिए बोकारो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा है और उसके लिए मौन संग्रह छेड़े हैं, बैठे हैं। तो उसी निर्देश के तहत हम लोग आज सत्याग्रह में बैठे हैं। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि यूपी में जिस तरह की बर्बरतापूर्वक घटनाएँ घटी हैं हाथरस में, और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, ये दोनों घटना से मैं व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी दुखी हूँ। और ख़ास करके मैं भी एक बेटी के बाप होने के नाते, एक राजनीतिक दल का लीडर होने या कार्यकर्ता होने के नाते, मैं कभी रात में सोचता हूँ तो रात की नींद उड़ जाती है। हमें लगता है कि सबकी बिटिया घर में अपनी होगी। ये राजनीतिक का समय नहीं था, ये समय था कि हम सभी जितने भी देश के राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लीडर हैं, हम सब मिल करके एक आवाज़ उठाएं और इस तरह का जो बर्बरतापूर्वक घटनाएँ घटी हैं किसी की बिटिया के साथ में, उसको इंसाफ मिले और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, सिर्फ फांसी नहीं हो, ताकि 130 करोड़ लोग देखें कि किसी भी बेटिया के साथ अगर इस तरह की घटना घटेगी तो देश उसको इंसाफ दिलाने के लिए फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। आज काफ़ी मर्माहत हूं, जिस तरह की मीडिया में, फेसबुक में बातें चल रही है, हमें लगता है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते शायद इंसानियत भी धीरे धीरे खोता जा रहा है। हमें एकजुटता के साथ इस तरह के बर्बरतापूर्वक और पूरे देश में कहीं भी किसी की बेटिया के साथ घटना न घटे, ये चिंता का समय है। एकजुटता के साथ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने का समय है। आए हम सब मिल करके देश की बिटिया के लिए आवाज़ उठाएं और इस तरह के जो बर्बरतापूर्वक हैवानियत के साथ, जो दरिंदगी के साथ जो घटनाएं घटी है, दोबारा हमारा देश में नहीं घटे, इसके लिए मैं सत्याग्रह में हम लोग बैठे हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।